बिल्कुल ठीक है सर, इतना नुकसान कर चुके हैं। अच्छा सर, एक अहम पाकिस्तान में जो है इस पे भी आपकी त्वचा चाहूंगा, इंतहाबी असलाहत पर आजकल हुकूमत बहुत सरगर्म है। स्पीकर ने एक कमेटी भी बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट कराना चाहते हैं, क्या कहेंगे? अपोजिशन इस मामले पर हुकूमत के साथ बैठेगी? देखिए, ये तो बिल आए थे, इन्होंने तो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था ये बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स के वाले से। जी तो पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात जिसका पीटीआई हिस्सा थी, उसमें आरिफ अलवी उसके मेंबर थे, उसमें शफकत महमूद मेंबर थे, उसमें शीरी मजारी मेंबर थी। और इस्लाहात 2016 में हमने जब फैसला किया कि 1976 से लेके अब तक 9 कानून पाकिस्तान के इलेक्शन को गवर्न कर रहे हैं, उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेटेस्ट लाइंस के ऊपर कानून कवानीन को मर्ज करने के बाद उनमें तरामीम की जरूरत है, उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये फैसला हुआ कि हम एक पार्लियामेंट्री कमेटी सेनेट और नेशनल असेंबली की मिला के बनाएंगे। और वो पार्लियामेंट्री कमेटी का जब पहला इजलास हुआ तो उसमें मुझे ये मेंबरशिप मिली थी। उन्होंने कहा जी कि ये इतना बड़ा काम है और ये इतना मुश्किल काम है कि आप मसरूफ है, आप इसकी चेयरमैनशिप कबूल करें। तो मैंने रिलक्टेंटली, जाहिर की जिम्मेदारी थी नेशनल, तो मैंने जहां इतनी मैं दर्जों कमेटियां हैंडल करता मैंने ले ली। करीबन 1.5 साल उस पर काम हुआ संदेला साहब, और हमने पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ को ये क्रेडिट है अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेजिस्लेशन 2017 का लॉ दिया, वहां हमने 2017 में इलेक्शन लॉ, नया इलेक्शन लॉ दिया मुल्क को। और उस इलेक्शन लॉ में हमने जो जो लेटेस्ट जो चीजें होनी चाहिए थी की, उसमें एक चीज जो बेपनाह दफा करीबन आई वुड से के 1/3, इससे 100 से ज्यादा इसकी मीटिंग हुई, इसकी जो ये थी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म PCER, और उसके 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। करीबन 1/3 मीटिंग्स में ये, उसमें लॉ मिनिस्ट्री भी होती थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी होता था, उसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं, नादरा है, दूसरे वो भी होते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम था फ्यूचर पाकिस्तान का अगला 20-30 साल के लिए। तो उसमें हमने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से हमने सैर हासिल बहस की, और पीटीए उसमें मौजूद थी। मैंने अभी आपको नाम गिनवाए हैं और जी तीनों नाम जो है वो अभी भी पीटीआई की मेन क्यादत में हैं, और एक सदर पाकिस्तान है इस वक्त, तो दो जो हैं वो कैबिनेट में हैं। तो ये कंसेंसस से फैसला हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो पाकिस्तान के लिए यानी कम से कम फोर्सिएबल फ्यूचर में ये काबिले अमल नहीं है, इसको हमें एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, क्योंकि ये कई सौ अरब खर्चा करने के बाद भी ये इलेक्शन में जो है वो उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो हमने ये चीज जो है वो हमने उस वक्त फैसला किया इस कमेटी ने, और इसकी हमने बकायदा तजर्बा किया, उसकी हमने वो ली, यानी उसकी हमने प्रेजेंटेशन भी ली, और हमने वो जो तजर्बा किया उस तजर्बे के बाद हमने देखा कि वो फैसला होगी या नहीं होगी। ऑल ऑफ ए सडन अब इन्होंने जो इस वक्त की हुकूमत है, इन्होंने दोबारा जो वो शोशा छोड़ा, हालांकि वो उस तमाम प्रोसेस का हिस्सा थे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म के लेके इन्होंने जो किए हुए हैं इस वक्त फ्लोट, उसमें ये भी शामिल है कि ये जो मशीनों का इस्तेमाल, तो ये कमेटी में जब गया तो हमारी जमात ने वहां ये प्रपोजल दिया कि भाई ये 3-4 साल पहले ये इतना बड़ी एक्सरसाइज हुई है, हुकूमत इस वक्त को जिद्दी उस वक्त एज ऑपोजिशन उसका हिस्सा थी, तो ये तो फैसला होता कि इसको नहीं करना। तो दूसरा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, आप ये सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली में ले आए हैं। तो ये हमने, मैंने 2-4 प्रोग्राम में भी कहा, मैंने इसकी इसके यही जो मैं जज्बात आप कर रहा हूँ, मैंने आपके अलावा कई 3-4 और इंटरव्यूज में ये किए। तो ये फिर हुआ कि इन्होंने ये फैसला किया कि इमरान न्याजी साहब ने एक खत लिखा स्पीकर को, असद कैसर को, कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। ये उसकी बैकग्राउंड है, ये नेशनल असेंबली की कमेटी में लाए थे बिल, अपना जो ड्राफ्ट बिल था। और साथ ये मैं आपको बता दूं कि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया में करीबन 2 दहाइयों से करीब उन्होंने इसे टाइम इन्वेस्ट किया, और ये मशीनें वहां इस्तेमाल होती हैं, और वो वहां बेपना
उसके खिलाफ जो है वो क्रिटिसिज्म है, और वो कहते हैं कि जी ये जो इस वक्त वहां अपोजिशन कांग्रेस है वो कहती है कि बीजेपी ने पिछले इलेक्शन इसके लिए रिक किए हैं और वो कहते हैं इसको खत्म करें। तो मैं समझता हूं, और हम कई सौ अरब इस गरीब मुल्क का, ओ भाई वो कई सौ अरब जो इस पे खर्च करने हैं, खुदा का खौफ करो इस कौम के जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कोरोना की वैक्सीन लगवा दो, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय ये इस अगले इलेक्शन को चोरी करने के प्लान करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करने के। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाकाबले अमल और ये एक रिगिंग का टूल बनेगा। पिछले इलेक्शन में आरटीएस के लिए रिगिंग हुई जी। उससे पहले आपको याद है इंक वगैरह के चक्कर चलते थे। अब मैं आपको अर्ज करूं कि अगला जो इलेक्शन चोरी करने का प्लान हो रहा है वो ईवीएम्स है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसको अपोजिशन को भरपूर मुखालफत करनी चाहिए। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है ये जो अपना इनका जो प्रपोजल है, और इसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। सर इलेक्शन की बात हो रही है तो डस्का में नून लीग की तारीख ही पता हुई, इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं वसाइल से इलेक्शन करवाया, क्या यही इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन में भी यूं ही फेर इलेक्शन करवा सकता है?